शालोम अलैकुम, मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज जो हम वचन देखने वाले हैं वो तो है गलतियों की पत्री उसका चौथा भाग 6 और 7 आयत। गलतियों की पत्री उसका चौथा भाग 6 और 7 आयत, जिसमें कहते हैं, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के साथ वारिस भी हुआ। परमेश्वर हमें अपने पुत्र कहते हैं क्योंकि उसने अपने पुत्र का आत्मा हम में भेज दिया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु की आत्मा उसने हम में भेज दी है, जिससे हम परमेश्वर के पुत्र हो गए। और जिस तरह से प्रभु यीशु परमेश्वर को देखते थे, उसी नजरिए से हम आज परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि ये हम नहीं परंतु हमारे में जो आत्मा है वो परमेश्वर को देखती है। उसी तरह से वो चलती है, उसी तरह से वो रहती है। हमारा जीवन वो प्रभु यीशु की तरह धीरे धीरे बनाती जाती है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र की तरह ही रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने, जब हम गुलामी में थे, जब हम दास थे, जब हम नियमों से बंधे हुए थे, तब उन्होंने हमें अपना पुत्र दे दिया। अपना पुत्र दे के उन्होंने अपना प्यार दिखाया कि वो हमसे अपना कुछ भी नहीं पीछे रखते। तब तो हम दास थे और उन्होंने हमें मुक्ति दी, उन्होंने हमें कृपा दी, और अपने पुत्र के द्वारा, पुत्र के रक्त के द्वारा परमेश्वर ने हमें मुक्ति का मार्ग दे दिया। यही उनका प्रेम है, और आज हम उनके पुत्र हैं, तो किसी भी बंधन में नहीं है। परंतु परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, पूरी स्वतंत्रता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो उसके पुत्र हैं। एक और वचन में परमेश्वर ने यही बात हमें बताई है, गलतियों की पत्री उसका 3:29 जो यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इब्राहिम के पुत्र, इब्राहिम के वंश में भी डाल दिया है, तो जो सारी आशीषें इब्राहिम को मिली थी, जो सारी आशीषें इब्राहिम के वंश को मिली थी, वो सारी आशीषें आज हमें भी मिली है। हम भी परमेश्वर के पुत्र की तरह उनके वारिस हो चुके हैं। परमेश्वर की आत्मा, उसके पुत्र की आत्मा हमारे अंदर रहती है, और जो हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने में सहायता करती है, जो परमेश्वर से बात करने में हमें सहायता करती है, जो हमारे अंदर वो प्रेम भर देती है, हमारे कलीसिया के लोगों में, मसीही लोगों में, जो विश्वासी लोग हैं उनके प्रति हमें प्रेम भर देती है। क्योंकि फिर तो हम एक ही कुटुंब के लोग हैं, एक ही परिवार के जन, सारे ही लोग भाई और बहन है। परमेश्वर हमें उन सभी के प्रति एक प्रेम से भर देते हैं, जिससे हम अलग अलग नहीं परंतु हम एक ही परिवार के जन हो, उस तरह का एहसास हमें होता है। जब हम पुत्र हैं तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, हमसे उन्होंने कुछ भी पीछे नहीं रखा, परंतु जो भी हमारी मंशा है, सारी ही मंशा परमेश्वर ने पूरी करी है। किस तरह से? मत्ती अध्याय 7:11 के हिसाब से प्रभु कहते हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। परमेश्वर हमारे मांगने से बेहतर हमें अच्छी वस्तुएं दे देता है। आज पृथ्वी पर हम पिता है किसी बच्चों के, या हमारा कोई पिता होता है, तो हमने बचपन से आज तक जो भी मांगा हो, चाहे हमारा पिता उसके लिए शक्तिमान हो या ना हो, परंतु हमने उनसे मांगा था, इसलिए पिता हमें वो लाके दे देते हैं। जगत की किसी भी अच्छी चीजों से वो हमें परे नहीं रखते। चाहे पिता खुद चल के जाए, पर हमारे लिए साइकिल, हमारे लिए मोटरसाइकिल, हमारे लिए कार का प्रबंध करना उनकी मंशा होती है, क्योंकि वो हमारे पिता है और वो पिता हमें प्रेम करते हैं। जब जगत के पिता हमें इतना प्रेम करते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता कितनी ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे, और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पृथ्वी के पिताओं की तो कुछ लिमिट्स होती है, परंतु स्वर्गीय पिता की कोई लिमिट नहीं है। जो हम चाहे उनसे, हम पवित्र आत्मा चाहते हैं, हमें वो पवित्र आत्मा से भर देते हैं, उनके सारे ही आत्माओं के गुण हमें भर देते हैं, पर हमें उनसे मांगने की इच्छा, मांगने का अवसर चाहिए हमें। जब हम उनके पुत्र है तो परमेश्वर हमें एक और वचन कहता है, मत्ती 18:3 में, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर हमें अपना पुत्र, अपना बालक बनाना चाहता है। जिस तरह से एक बालक अपने पिता से जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उनके लिए बालक बने। क्योंकि एक बालक के लिए, अगर हम देखें, एक छोटा बच्चा होता है,
जो कुछ ही महीनों का होता है, तो उसके लिए बाहर के जगत में क्या हो रहा है, बाहर की अच्छी चीजों से उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होता, उसको केवल उसका पिता चाहिए होता है। उसका अगर पिता मिल गया, उसके माँ बाप मिल गए, उसके लिए सब कुछ मिल गया होता है। उसको बाहर क्या हो रहा है, चाहे तूफान हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, पर तू उसके माँ बाप उसके सामने है और उसके माँ बाप को वो देखता है, तब वो सारी ही उसकी फिक्र चली जाती है। उसको बस उतना ही चाहिए होता है और कुछ नहीं उसको चाहिए, और सारी चीजें उसको मिले या ना मिले उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु उसका पिता जो होता है वो उसके लिए सारी जगत की चीजें उसको लाके देता है। जो भी उसके पास नहीं होता वो सब कुछ पिता उसको पहले ही लाके देता है, क्योंकि पिता प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसका बच्चा खुश रहे, अच्छा रहे और सारी ही चीजें उसको मिल जाए। ये एक पृथ्वी का पिता चाहता है, तो स्वर्ग का पिता उससे कितना बेहतर चाहता होगा। एक बच्चा होता है वो अपने पिता को हमेशा देखता रहता है, उसकी नजर हमेशा उसके पिता के आसपास लगी रहती है, वो देखता रहता है उसका पिता क्या कर रहा है। और उसी तरह से वो बच्चा भी चीजों को करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने पिता को देखता है और पिता से ही सब कुछ सीखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खुद नहीं कर सकता है, वो जब बच्चा होता है तो खुद दौड़ नहीं सकता है, खुद अपने झूले में से बाहर नहीं निकल सकता है, वो सभी तरह से वो अपने पिता के ऊपर आधारित होता है कि जब पिता उसको करके देगा तब वो करेगा। उसकी मंशा सारी ही होती है, परंतु वो हर बात में पिता की सहायता को हमेशा खोजता रहता है कि पिता उसको लाके कुछ करे, पिता उसको मदद करे, पिता उसको बाहर निकाले, पिता उसको चलने में मदद करे। वो पिता उसको जहाँ चलाता है वहाँ वो चलने लगता है, पिता उसको जो बुलाता है वो बोलता है, पिता के शब्द वो हमेशा बोलता है, पिता उसको सिखाता है कि क्या बोलना है। जब हम छोटे होते हैं तो बच्चे बोलना नहीं सीखते, परंतु पिता उसको सिखाता है किस तरह से बोलना है, क्या बोलना है, सारे शब्द पिता उसके मुख में रखते हैं, तब वो बोलना सीखता है और कहाँ किसके साथ क्या बात करनी है पिता उसको सिखाता है। उसकी सारी जरूरतों के लिए वो पिता की तरफ देखता है, उसके पास जो नहीं है वो पिता से मांगता है और पिता उसको लाके देता है। पिता उसको अच्छी तालीम देता है, पिता उसको अच्छी शिक्षा देता है, पिता उसको अच्छी पढ़ाई करवाता है, पिता उसको सब जगह जो देखने लायक है वो सारी जगह दिखाता है। जब पिता चाहता है कि बच्चा कुछ इस तरह से करे, जब वो नहीं कर पाता है तो पिता उसको और ज्यादा ट्रेन करता है, और ज्यादा कोशिश करवाता है उससे कि वो कर पाए। पिता उसको कई बार डांटता है, पिता कई बार उसको पनिशमेंट करता है, पर वो होने के बाद जब बच्चा वो सीख जाता है तो बच्चे के लिए वो भले के लिए होता है। पिता कई बार आग से हमें बचाता है, हमें आग बच्चे जब आग देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए नया होता है, वो आग में जाना चाहता है, आग को चूना चाहता है, परंतु पिता उसको दूर रखता है। तब बच्चे को शायद यही लगता होगा कि पिता उसको क्यों दूर रखता है, परंतु जब वो एक बार आग को छू लेगा तब उसको पता चलेगा कि ये तो हानि था। आज पिता हमें बहुत सारी चीजों से दूर रखता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। पिता जानता है कि ये चीजें अच्छी है परंतु इससे हानि भी है। जिस तरह से चूल्हे में आग लगती है वो खाना पकाती है, परंतु अगर आग बढ़ जाए तो वो पूरा घर जला देती है। उसी तरह से जितना हमारी जरूरत है उतना पिता हमें दे देते हैं, उससे ज्यादा हम चाहते हैं तो वो हमें नुकसान करता होता है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और पिता चाहता है कि हम बच्चे बन के उनसे लिपटे रहे। सारी चीजों के लिए हम उनकी तरफ देखें, हम हमारे खुद से कुछ ना करें। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो ऐसा सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दूसरा एक होता है मैं परमेश्वर से सब कुछ कर सकता हूँ। हमें वो बनना है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु जब हमारा पिता हमें सामर्थ्य देता है तो उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता का सामर्थ्य हमारे लिए हमेशा खुला है, उसकी आत्मा उसने हमारे अंदर रखी है। हमें कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जिम करने की जरूरत नहीं है सामर्थ्य लेने के लिए, परंतु हमारा काम आत्मा का काम है। आत्मा से हमेशा भरे रहे, पिता के चरणों में रह के हम आत्मा से भरपूरी पाते रहे। जितना हम परमेश्वर को अपना अधीनता देंगे उतना ही परमेश्वर हमें उसकी आत्मा से भरता जाएगा। अगर हम अधीन नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि हम पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तब हमें समझ आता है कि पिता से दूर रहना सही नहीं है। थोड़े दिन तो बड़ा मजा आता है, परंतु जब सच्चाई हमारे सामने आती है, जब जगत की कड़वी बातें हमारे सामने आती है, तब हमें पता चलता है कि पिता के दूर जाना, पिता से अलग होना ये अच्छा नहीं है। परंतु जब भी हम पिता की तरफ वापस आते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसका पुत्र वापस आया तो पिता दौड़ के उसके पास गया। हम एक कदम उठाते हैं, पिता दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं, हमें उठा लेते हैं, हमें फिर से नया बना देते हैं। परंतु हम ये ना करें, हम ये बार बार ना करें। परमेश्वर का लहू हमारे लिए बहा है, परंतु उस लहू को हमारे द्वारा बार बार ना बहे। पिता हम पे कृपा करता है, परंतु जानबूझ के हम गलतियां ना करें। आइए परमेश्वर के चरणों में, हमारे पिता के चरणों में हम झुक जाएं। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता,
है स्वर्गीय बाप, जो पृथ्वी के बापों से बहुत ज्यादा सामर्थी है और उनसे कई गुना ज्यादा हमसे प्रेम रखते हैं। आपके चरणों में हम झुक जाते हैं। आपके बच्चे होने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, वो नम्रता दीजिए। हमारे खुद के भरोसे को आप तोड़ के हम आपके ऊपर आधारित हो, सब कुछ आपसे सीखे, आपकी तरफ हम देखते रहे, जो आपने किया उस तरह से हम जीवन जिए, उसके लिए आपकी कृपा हम पे होने दो। कहीं आपसे दूर नहीं भाग जाए, परंतु हमेशा आपको पकड़ के आपके चरणों में रह पाए, इसके लिए आपकी कृपा होने दो प्रभु। सच्ची नम्रता दीजिए प्रभु, जिससे कि हम दूसरों के साथ भी प्रेम से व्यवहार कर पाए। हमारा घमंड आप तोड़ दें और आपके चरणों में हमें रख, क्योंकि हम आपके द्वारा सब कुछ कर सकते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से चाहते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।